हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानम। माय सेल्फ नेहा शर्मा, और आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, नाबार्ड और इसके फंक्शंस के बारे में। यहाँ से हमेशा हमें जो है कोई ना कोई टॉपिक से क्वेश्चन जो है आ ही जाता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो बेसिकली नाबार्ड हमारे पास क्या है? नाबार्ड है जी हमारे पास एक बैंक, एक क्या है, एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है ना। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, जो किसके लिए काम करता है, एग्रीकल्चर और किसके लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो इट इज़ एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी। ये इस्टेब्लिश कब हुआ, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। कब इस्टेब्लिश हुआ, इन जुलाई 1982, ये भी याद रखना, कब इस्टेब्लिश हुआ, जुलाई में 1982 में। कौन से एक्ट के अंदर हुआ है, दैट इज़ नाबार्ड एक्ट 1981। एक चीज़ और देखो, कभी कन्फ्यूजन हो ना उसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर के बीच में और उसके एक्ट के बीच में, तो हमेशा याद रखना एक्ट हमेशा पहले आता है और इस्टेब्लिश हमेशा चीज़ बाद में होती है ना, ये कॉमन सी चीज़ है। चलिए, इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे हैं, मुंबई में, ठीक है ना। क्योंकि हमें बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से आते हैं कि इस्टेब्लिश्ड ईयर कौन सा है, कौन से एक्ट के अंदर चीज़ आई है ना, फॉर्म किसने किया है, यही सब चीज़ें जो है हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी पेपर में हमें ये भी आता है कि इसकी फुल फॉर्म बता दो, है ना, ए स्टैंड फॉर, बी स्टैंड फॉर। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो बैंक है ये क्या है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। इसका नाम क्या है, नाबार्ड बैंक फॉर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना। इस्टेब्लिश कब हुआ, 1982 में, अंडर द नाबार्ड एक्ट 1981। इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ पे हैं, मुंबई में। ये किसके रिकमेंडेशन पे हुआ है, बी शिवरमन कमेटी के, है ना। बी शिवरमन कमेटी बैठी थी, उन्होंने जो है रिकमेंड किया था नाबार्ड को फॉर्म करने के लिए। अब देखो, कभी कभी ना ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो नाबार्ड है वो आरबीआई की सब्सिडरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, है ना। तो पहले ये जो सब्सिडरी थी ये आरबीआई की थी, है ना। तो पहले सब्सिडरी आरबीआई की थी, बट राइट नाउ इसकी जो ये जो सब्सिडरी है ये किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 99.60% शेयर होल्डिंग है इसकी, है ना, और आरबीआई के पास ओनली 0.40%, या फिर मैं कहूँ 0.40%, है ना। 0.40% किसके पास है, आरबीआई के पास। 99.60% किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो पूरी की पूरी जो सब्सिडरी है नाबार्ड की वो कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि जो है हमारे पास एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। बेसिकली नाबार्ड जो है वो करता क्या है, ये क्या है, ये रेगुलेटर है किसका, कोऑपरेटिव बैंक्स का, है ना। ये किसका रेगुलेटर है जी, ये रेगुलेटर है कोऑपरेटिव बैंक्स का। तो कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे आगे, है ना, और हमारा रूरल इकॉनमी या फिर मैं कहूँ रूरल सेक्टर के बारे में काम करना किसका काम है, नाबार्ड का। आरआरबीज जितनी भी हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, नाबार्ड के अंदर। सो इट इज़ अ रेगुलेटर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। ऑलराइट, ये बेसिकली काम क्या करता है, ये काम करता है, डेवलपमेंट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर की, है ना, और क्या करता है, रूरल इकोनॉमी की, या कहूँ मैं रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करना एक बेसिक फंक्शन है नाबार्ड का, ठीक है। तो ये फर्दर ऑन फंडिंग प्रोवाइड करता है जितने भी बैंक्स जो हैं सब्सिडरीज हैं नाबार्ड के अंदर, मतलब जो इसके अंदर आते हैं, फर्दर ऑन जो है फंडिंग प्रोवाइड करता है अदर बैंक्स को, ठीक है। अब इसके हम देखते हैं फंक्शंस कौन से हैं, लेट्स सी द फंक्शंस। नंबर वन, बेसिकली ये क्या काम करता है, ये पॉलिसीज फ्रेम करता है और गाइडलाइंस प्रिपेयर करता है। पॉलिसीज और गाइडलाइन फ्रेम करेगा किसके लिए, रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, है ना। तो ये बेसिकली पॉलिसी और गाइडलाइंस प्रिपेयर करता है रीजनल रूरल इंस्टीट्यूशन के लिए। ये प्रोवाइड करता है रीफाइनेंस असिस्टेंस। अब देखो, फाइनेंस का मतलब होता है जब आपने एक बार लोन लिया, है ना, जब आप वन टाइम लोन लेते हो ना तो हम लोग उसको कहते हैं फाइनेंस। जब इसी लोन के ऊपर हम दोबारा लोन ले लें, जब इसी लोन पे दोबारा लोन ले लेना तो उसको बोलते हैं रीफाइनेंस। यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कि जो नाबार्ड है वो रीफाइनेंस करता है किसको, शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और सेक्टोरल रूरल बैंक्स को। तो ये दोनों को ही क्या करता है, रीफाइनेंस असिस्टेंस प्रोवाइड करता है।
ठीक है ना, क्योंकि ये प्रमोशन करता है किसकी, और डेवलपमेंट करता है एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट एंड अदर रूरल जितने भी सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, नाबार्ड के अंदर, ठीक है जी। इट ऑल्सो रीफाइनेंस, ये किसको रीफाइनेंस करता है, देखो रीफाइनेंस का मतलब हो गया कि जो पुराने लोन्स थे ना उसको दोबारा से रीफाइनेंस, मतलब स्मॉल रेट्स पे दोबारा से फाइनेंस करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बेसिकली उन रूरल सेक्टर के लिए ही बना है ये बैंक, है ना, तो अर्बन के लिए नहीं करता। तो किसके लिए काम कर रहा है, एग्रीकल्चर के लिए, स्मॉल स्केल SMME, ठीक है, SME जितनी भी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, अदर इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो सारी की सारी किसके अंदर आती हैं, नाबार्ड के अंदर, क्योंकि नाबार्ड जो है इनको फर्दर ऑन फंडिंग प्रोवाइड करता है ना, ये लुक आफ्टर करता है इनकी डेवलपमेंट के ऊपर कि ये इंडस्ट्रीज़ कैसे काम कर रही हैं, इवन कि इनको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का काम, है ना, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है सारे के सारे उन इंस्टीट्यूशंस को जो किसके लिए काम करते हैं, रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए, या मैं कहूँ रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो इट इज़ अ रेगुलेटर एंड सुपरवाइज द कोऑपरेटिव बैंक एंड RRB थ्रू आउट जो है एंटायर इंडिया, ठीक है जी। आई होप इट इज़ क्लियर। इट ऑल्सो प्रमोट रूरल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, है ना। चलिए जी, ये देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कि ये क्या करता है कि जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, सब्सक्राइब करता है शेयर कैपिटल को और फिर इन्वेस्टमेंट करता है फर्दर ऑन उन सिक्योरिटीज़ में जो किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट से, है ना, सब्सक्राइब करेगा कैपिटल से और वहाँ से पैसा रेज करके फर्दर ऑन इन्वेस्टमेंट करता है उन सेक्टर के लिए जिनको बूस्टअप की ज़रूरत है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट, है ना, और हमारा बेसिकली जो मेन है एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल सेक्टर, है ना। चलिए, तो जितने भी हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए वो सब जो है किसके अंदर आते हैं, नाबार्ड के अंदर, नाबार्ड जो है उनको फंडिंग करता है, ठीक है जी। चलिए, मॉनिटरिंग द फ्लो ऑफ ग्राउंड लेवल रूरल क्रेडिट, इट ऑल्सो प्रोवाइड रूरल क्रेडिट, है ना, जितने भी ग्राउंड लेवल पे वो जो छोटे छोटे फार्मर्स हो गए, है ना, या मैं कहूँ छोटे छोटे बुनतीकार हो गए, वो सबको काम देना किसका काम है, नाबार्ड का, मतलब फंडिंग प्रोवाइड करना उससे रिलेटेड कौन देखता है, नाबार्ड। तो ये जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, RRBs हैं, ठीक है, इनकी अपलिफ्टमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी, ये सब कौन करता है, नाबार्ड। अब देखो, हमने क्या बोला कि ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है ना, हमने यही बोला कि जो नाबार्ड है वो क्या है, एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। तो अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन एपेक्स इंस्टीट्यूशन है ना, तो वो तीन तरीके के काम जरूर करेगा, तीन तरीके के फंक्शन जरूर करेगा। एक तो हो गए हमारे पास डेवलपमेंट फंक्शन, है ना, एक डेवलपमेंट फंक्शन हो गए, दूसरे कौन से हो गए, रेगुलेटरी फंक्शन, मतलब उनके लिए रेगुलेशंस प्रिपेयर करना, तीसरा हो गया जी सुपरवाइजरी फंक्शन, ठीक है। तो ये हर इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट, रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी, तो जितने भी हमारे पास एपेक्स इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑल दीज आर परफॉर्मिंग दीज थ्री फंक्शन, दीज आर द बेसिक थ्री फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय ईच एंड एवरी एपेक्स इंस्टीट्यूशंस, ठीक है जी। तो आई होप हमें नाबार्ड जो है क्लियर है कि ये बेसिकली है क्या, है ना। तो आई होप ये जो है हमें क्लियर हो गया होगा कि नाबार्ड और उसके फंक्शंस क्या हैं, कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली काम करता है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका, है ना, 12 जुलाई 1982 में। तो यही जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से फ्रीक्वेंटली जो है बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप हमें क्लियर हो गया है सारा का सारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।